कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। लोहा बाजार में अगर बात करी जाए टीएमटी के बारे में, तो आज वीकेंड के दिन बाजारों में, जो हफ्ते का आखिरी दिन है, इस दिन बाजारों में टीएमटी में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। गिरावट आने की वजह के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि बाजारों में इंगट में एक रेंज में ही कारोबार होने की उम्मीद नजर आ रही है। तो 53,000 के लेवल पर जो इंगट पहुंच चुका था, वहां से ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजारों में गिरावट देखी गई है इंगट में। और जो इंगट में गिरावट आई है उसको देखते हुए टीएमटी सरिये की कीमतों में भी लगभग 200 से लेकर 300 रुपए तक की गिरावट के साथ आज कारोबार हुआ है। कीमतों के बारे में खबरों में आगे बात करेंगे, देखेंगे गिरावट आने के बाद किस तरह की कीमतें बाजारों में आज के दिन चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खबरों में मंडी गोविंदगढ़ में कुछ ब्रांडेड कंपनी की आज की कीमतों के बारे में, साथ ही बात करेंगे इंगट और स्क्रैप में आज की कीमतों के बारे में, देखेंगे किस तरह का कारोबार और ट्रेंड बाजारों में आज के दिन देखा जा रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। कीमतों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो गिरावट जो देखी गई है 200 से लेकर 300 रुपए तक की गिरावट आई है। भारतम कंपनी का रेट 58,300 रुपए हो गया है। कामधेनु कंपनी की कीमतें आप 65,751 रुपए देखकर चल सकते हैं। K2 कंपनी की जो कीमतें चल रही हैं वो 64,881 रुपए हैं। ज्योति कंपनी का रेट 64,911 रुपए बाजारों में चल रहा है। ज्ञान कंपनी की कीमतें 63,800 रुपए देखी जा रही हैं। फॉर्चून कंपनी के बारे में अगर बात करी जाए, टीएमटी सरिये का जो रेट इसमें चल रहा है वो 66,699 रुपए है। प्रबल कंपनी की कीमतें 64,701 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। दोआबा कंपनी का बाजारों में जो मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। बाजारों में जो आज रेट चल रहा है वो 69,000 रुपए देखा जा रहा है। दीपक कंपनी की कीमतें 57,900 रुपए बाजारों में चल रही हैं। इसके बाद बात करते हैं जय भारत कंपनी के बारे में। इसका जो बाजारों में आप रेट देख सकते हैं टीएमटी सरिये का, वो 61,800 देखा जा रहा है। शेर पंजाब कंपनी की कीमतें 65,711 रुपए चल रही हैं। और अंबा कंपनी का बाजारों में जो आज रेट चल रहा है वो 60,500 रुपए बाजारों में आप देख कर चल सकते हैं। तो बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार आज के दिन देखा गया है। वीकेंड के दिन बाजारों में दोबारा से गिरावट आई है। 52,000 के नीचे इंगट का जो लेवल है वो जा चुका है। लेवल के बारे में बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ में जो एमएस इंगट का लेवल चल रहा है वो 51,800 रुपए चल रहा है, जिसमें भी 600 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। और एमएस स्क्रैप की कीमतें बाजारों में आप 40,800 रुपए देख कर चल सकते हैं। तो बाजारों में हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर बाजार 53,000 पर सस्टेन कर जाता है तो आने वाले समय में 54,000 रुपए तक का लेवल आएगा, लेकिन लंबी चौड़ी तेजी होने की संभावनाएं बाजारों में नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर तेजी देखी जाएगी वो 100 से लेकर 200 रुपए तक की तेजी आएगी, लेकिन बाजारों में आप इसी रेंज में कारोबार देखकर चल सकते हैं। ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी बनने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ट्रेंड बाजारों में हल्का स्लाइटली निगेटिव नजर आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग में आई गिरावट को देखते हुए, लेकिन गिरावट पर खरीदारी करने के लिए काफी अच्छे लेवल हैं ये। 51,800 रुपए तक का लेवल जो इंगट में चल रहा है उसको देखते हुए आप टीएमटी सरिये में भी गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।